अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? सब लोग ठीक हैं? तो आज हम आपको बड़ी अच्छी सी कढ़ाई बनाना सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले उसका नाम है कोयला कढ़ाई। तो उसके लिए मैंने लिया हुआ है 1 किलो चिकन और 1 पाव दही ली हुई है, लहसुन का पेस्ट लिया हुआ है 1.5 टेबल स्पून। और यहाँ पे मैं आपको दूसरे मसाले बता दूँ कि यहाँ पे मैंने लिया हुआ है हल्दी 1 टीस्पून, नमक हसबे जायका 1 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्च। और दूसरा मैंने मसाला एक तैयार किया हुआ है उसका मैं आपको बता दूं, ये मसाला मैंने ग्राइंडर करा हुआ है। इससे मैंने ली है साबुत लाल मिर्च 12 से 15 अदद, छोटी बटर लाल मिर्च और सौंफ 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, काली मिर्च छोटी वाली 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा लिया हुआ है और बड़ी इलायची जो है वो 3। इन सब चीज़ों को पीस के मैंने ये मसाला तैयार किया हुआ है कढ़ाई का। तो चले फिर हम शुरू करते हैं इसको मैरिनेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले दही लूँगी 1 पाव। दही के साथ ही मैं इसमें लहसुन डाल दूँगी 1.5 टेबल स्पून। और इसके साथ जो मैंने मसाले आपको बताए हुए थे, काली मिर्च हल्दी नमक ये सब कुछ चला जाएगा। और इसके बाद फिर हम चिकन लगा लेंगे इसमें मसाला। और जो मैंने कूटा हुआ मसाला यहाँ रखा हुआ था वो भी इसमें सारा जा रहा है। और अब इसके अंदर मैं चिकन डाल रही हूँ। आप 16 टुकड़े ले लें, आप 12 ले लें, ये आपकी चॉइस पर है। अब मैं इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी। और ये मेरा मसाला अच्छा सा मिक्स हो चुका है। मैंने इसको मसाला लगा के रख दिया है चिकन के ऊपर। अब मैं यहाँ पे स्टीम के लिए स्टीम कोयले का स्टीम दे रही हूँ और हम इसके बाद इसको रख देंगे। आप चाहें तो ये फॉइल पेपर पे भी रख सकते हैं, मेरे पास अभी है नहीं। और आप चाहें तो इसको मक्खन की भी वो दे सकती हैं धुआँ। मैं ऑयल से कर रही हूँ, आप मक्खन से भी कर सकते हैं, मक्खन को मेल्ट करके। और मैं इसको अभी देखिए, हमने ये जो चिकन को स्टीम दिया हुआ था इसमें अच्छा खासा धुआं अभी भी है। और आप ये देखिए, अब इस कोयले को आप डस्टबिन में मत फेंकिएगा वरना आपका जो है वो जल जाएगी आपकी डस्टबिन। तो आप प्लीज़ इसका एहतियात कीजिएगा। और अच्छा सा इसमें स्मोक फ्लेवर आ चुका है। तो अब हम बिस्मिल्लाह करके जी, अब मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके यहाँ पे तेल गरम कर रही हूँ। आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऑयल लिया हुआ है। अब जैसे ही मेरा तेल गरम होगा तो मैं इसमें 2 बड़ी प्याज मैंने काट के रखी हुई थी, चॉप करके रखी हुई थी, वो मैं इसमें ब्राउन करूँगी, हल्का सब लाइट ब्राउन कलर दूँगी। और आगे जो मज़ी चीज़ें ऐड करूँगी वो आप देखते जाएँ। माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी कढ़ाई बनती है और झटपट बनेगी और इसमें कोई ज़्यादा मसाले या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके लिए घर में अवेलेबल ना हो। आपके घर में माशाल्लाह सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। आप जाएँ फटाफट बनाएँ और अपने खाएँ और इन्जॉय करें। अब मैं ये प्याज को, अच्छा जी, अब जो यहाँ पे जो हमारे कैमरामैन हैं वो मेरे भाई हैं और ये जो स्पून ऑफ किचन का जो चैनल है वो हम दोनों भाई बहन का है, वो वीडियो वगैरह डालते हैं। तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक किया करें, हमें कमेंट्स किया करें।
देखेंगे मेरी प्याज अच्छे से अभी और इसका ब्राउन सा कलर आएगा तो आप देखिएगा आगे। और ये मेरे भाई, हम भाई बहन हैं दोनों, अच्छा सा ये हमने स्पून ऑफ किचन का ये आपके लिए कि आपके लिए नई से नई रेसिपी लेकर आ रहे हैं ताकि आप लोग इंजॉय करें। और बाहर जो लोग खाने के लिए जो होते हैं शौकीन होते हैं वो घर में अपने घर में बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं अपने हाथ से और इंजॉय भी करें। और ये और दानिश बताओ ये कैसी किस तरीके से ये हम बना रहे हैं, आप भी व्यूअर्स को कुछ गाइड करें या कुछ बताएं। नहीं अच्छी बन रही है और अभी तक हमें रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है। आप हमें जितना फीडबैक देंगे हम आपके लिए और से और अच्छी से अच्छी रेसिपी देंगे। बस ये कि यार लोग आते हैं वीडियो देख के चले जाते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो 93% लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरा लोगों के साथ यही है कि आप वीडियो देखें तो सब्सक्राइब भी करें। चलिए वो तो अभी आपकी मर्ज़ी है, आप करें ना करें, बट ये है कि अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, ना अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, फिर भी हमारी वीडियो देखा करें क्योंकि डेली वीडियो हमारी आती है। अच्छा देखें ये अभी भी प्याज का कच्चापन है, जैसे ही मेरी प्याज का कलर आएगा तो ये मैरिनेट किया हुआ जो चिकन है वो मैं इसमें डालूंगी और फिर इसको मैं पकाने के लिए रख दूंगी। और बाकी की मैंने यहाँ पे चीज़ें ली हुई हैं, एक मिनट वो आप मुझे ये देखें, इसमें मैंने बड़ी हरी मिर्च ली हुई है, 4 टमाटर काटे हुए हैं और ये प्याज के लच्छे हैं। ये आखिरी में दम पे जब ये कढ़ाई का बिल्कुल मसाला बन जाएगा तो इसमें दम आएगा तो ये दम पे ये चीज़ें जाएंगी। ऊपर से हमारा धनिया और अदरक भी डाल सकते हैं और ये बड़े मज़े की कढ़ाई है, झटपट बने। अब ये देखें हम भूनते ही जा रहे हैं प्याज को, आप इस कढ़ाई को नान के साथ खाएं। और हल्का सा बूंदी वाला मैंने आपको रायता दूसरी रेसिपीज़ में आपको बताया हुआ है, रायता बना लें, प्याज काट लें और गरम गरम तिल वाले नान ले लें तो आप अच्छा से इंजॉय करके खा सकते हैं कढ़ाई को। अभी वीकेंड आ रहा है तो आप इसमें ट्राई कीजिएगा। तो हमें यह होता है कि आप लोग ट्राई करेंगे बनाएंगे तो हम लोगों को भी ज़्यादा फीडबैक मिलेगा। जी देखें ये मेरी प्याज का अच्छा सा कलर ब्राउन हो गया है तो जो मैंने मसाला लगी हुई चिकन थी वो मैं अब इसमें डाल के पकाने रख रही हूँ। और मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी वरना मसाला चिपक जाएगा नीचे, तो बिल्कुल थोड़ा सा। और मैं इसको पानी थोड़ा सा डाल के और ढक दूंगी। तो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं इस वीडियो का कैमरा मैन हमेशा मैं बना होता हूँ और ये मेरी बहन कुक कर रही होती हैं। तो आज हम बना रहे हैं कोयला कढ़ाई, मज़े की अभी बन रही है। तो बस यही हम ये पूछना चाह रहे थे आप लोगों से कि आप लोग बताएं कि हम लोग सामने आए या पीछे रहें, तो जो आप बोलें। बाकी ये है कि आप हमारी रेसिपीज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, तो यही है। बाकी हम लोग और बहुत सी इतनी सारी डिशेज़ हैं कि आप लोग खाते खाते थक जाओ कि मेरी तरह हेल्दी हो जाओ कि मुझे देख लो, मुझे इतना खिलाया है कि वो मुझे मोटा कर दिया गया है। तो देख ले खाने वाली ये है, अब ये सामने नहीं आती है, बोली मुझे सामने नहीं आना, तो अब आप लोग ही खुद बोलें। बाकी ये कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं और अभी से हम लोग रमज़ान की प्लानिंग कर रहे हैं, अभी रजब चल रहे हैं, रजब के कुंडे बनते हैं, खीर बनती है, छोले बनते हैं, पूड़ी, जो हम मेमन लोग ज़्यादा ये चीज़ें कर वैसे तो हर कोई करता है बट हम लोग बड़े चटपटे छोले बनाते हैं। और बहुत से लोगों ने मुझसे फरमाइश की है कि काठिया वाले छोले बनाओ, खौसा, तो इंशाल्लाह खौसा भी बनाएंगे हम लोग और बहुत मज़े का इंशाल्लाह बनेगा। तो बस यही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड क्लिक ऑन बेल आइकॉन ताकि आप लोगों को हर तरीके की नोटिफिकेशन हमारी आती रहे। हमने आज थोड़ी देर में वीडियो में जैसे अभी कल की वीडियो में आएगा तो हमने केक बनाया है, पाउंड केक,
तो वो बहुत बड़ा बहुत यमी बना है। हम लोग मैंने कभी चाय के साथ खाया है तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। तो आप लोग भी ट्राई करें और बनाएं, और बस दुआएं देते रहें हम लोगों को, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। मैं भी अपना टाइम निकालता हूँ, वो अपना टाइम निकालती है, टाइम निकाल के फिर हमें वीडियो बनानी पड़ती है। तो अभी तो हम लोग बहुत से इक्विपमेंट हम लोग अभी लेंगे जो बस अभी लेना है, बट ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बाकी अल्लाह की ज़ात है, इज़्ज़त तो ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। तो अल्लाह ने अगर हमें इज़्ज़त देना लिखा है तो हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह। तो वही बात है, मेहनत करते रहें और बस यही है दुआ में याद रखें। बट ये कि इस बार रमज़ान में बहुत सारी रेसिपीज़ हैं बेसाब, हम रमज़ान से पहले ही सारी रेसिपीज स्टार्ट कर देंगे कि आप लोगों ने क्या क्या बनाना है, क्या क्या करना है, सारी चीज़ें। तो मिलते हैं, बाकी ये बन रही है इसके बाद। मेरी चिकन हल्की सी बन चुकी है, अब मैं आपको नज़र आ रही होगी इसका मसाला, इसकी ग्रेवी। अब मैं इसके अंदर जो डाल रही हूँ वो दम पे रखूँगी इसको डाल के, और वो चिकन आधी कच्ची है तो वो भी गल जाएगी। तो यहाँ पे हरी मिर्च, टमाटर जो मैंने प्याज के लच्छे रखे हुए हैं ये इसको मैं डालूँगी। अब इसको मैं दम पे रख रही हूँ ताकि आधा चिकन भी गल जाए, ये प्याज भी गल जाए, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, इसमें लंबी मिर्ची डाली नहीं? हाँ डाल दी, हरी मिर्चें। नहीं नहीं, वो एक और पतली वाली, वो आखिर में जाएंगी। अच्छा, वो आखिर में जाएंगी। हाँ, और ये मैं इसको पकाने के लिए दम पे रख रही हूँ। हरा धनिया हल्का सा थोड़ा मैं ऊपर डाल रही हूँ, और बाकी हम डिश आउट करते हुए डालेंगे। तो ये देखें, अभी मैं इसको, ये हमारी कोयला कढ़ाई जो अच्छी थी है, ये अभी इसको मैंने टमाटर डाल के और इसको मैं दम पे छोड़ रही हूँ ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए, प्याज भी सॉफ्ट हो जाए। और फिर हम आपको जैसे ही सॉफ्ट हो जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि ये बन चुकी है, फिर आपको डिश आउट करेंगे। ये मेरे टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, प्याज भी हो गई है। अब मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ, और ये बुनाई करने के बाद फिर मैं इसको डिश आउट करके आपको बता रही हूँ। देखें, ये हमारी कोयला कढ़ाई चिकन की तैयार हो चुकी है। तो आप मेरी इस रेसिपी को घर में ट्राई करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। Oh,